और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली के एक कोर्ट में देश से बाहर जाने की अर्जी दी है। जैकलिन को आईफा अवार्ड्स के लिए दुबई जाना है। दरअसल जैकलिन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, जिस वजह से वो देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली के एक कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। और चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भवतोष, कोर्ट में अर्जी दी है बाहर जाने के लिए, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर या नोटिस है, जिसकी वजह से ये भारत छोड़ के नहीं जा सकती। ये श्रीलंकन नेशनल हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन जो है उसमें इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। इस पूरे मामले में दो चार्जशीट फाइल हुई है। पहली चार्जशीट सुकेश चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों के अगेंस्ट हुई थी, और दूसरी चार्जशीट सुकेश चंद्रशेखर के बहुत करीबी सहयोगी पिंकी रानी के अगेंस्ट हुई थी। इन दोनों चार्जशीट में जैकलिन फर्नांडिस का कोई रोल नहीं है, ना तो वो विटनेस की तरह उनका रोल है, ना उनका रोल आरोपी की तरह है। लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले या कहिए दो हफ्ते पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रॉपर्टी अटैच की थी उसमें करीब 7 करोड़ 12 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट जो जैकलिन फर्नांडिस के थे उसको जब्त किया था। उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ साफ ये कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने इनको बहुत महंगे गिफ्ट दिए थे, करीब 5 करोड़ 47 लाख रुपए के गिफ्ट दिए थे, और उनके जो सिबलिंग्स या उनके जो भाई और बहन है उनको काफी ज्यादा पैसा हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू ट्रांसफर किया है। तो कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये शक है कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में सहयोग किया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आज जब ये एप्लीकेशन के ऊपर, इनके जैकलिन फर्नांडिस के एप्लीकेशन के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रुख क्या होगा। कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये फिर बताएगा कि जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर उनका क्या, उनके रोल के बारे में वो क्या बोलेंगे। जहां तक ईडी के सूत्र कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरे के पूरे मामले में सुकेश चंद्रशेखर के मामले में जैकलिन फर्नांडिस सच नहीं बोल रही, इसी वजह से इनके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर है वो अभी भी एक्टिव है, उसको खोला नहीं जा रहा। उनको शक है क्योंकि ये विदेशी नागरिक है, ये देश छोड़ के चली जाएंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कोर्ट में ये कहेंगे कि इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ओपन रहे और ये देश छोड़ के ना जाए। भले ये 15 दिन के लिए कह रही हैं, पर उनको ये शक है कि कहीं ना कहीं अगर ये भारत छोड़ के जाने को अलाउ करेंगे तो ये भारत में वापस नहीं आएंगी। जी भवतोष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।